अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मीठी सेवइयाँ। मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है देसी घी। देसी घी लिया मैंने 2 खाने वाले चम्मच बड़े भर के। अब मैं इसमें डालूंगी 5 से 6 दाने सब्ज़ इलायची के। सब्ज़ इलायची को थोड़ा सा हम घी में फ्राई कर लेंगे। ये एक पैकेट मेरे पास बिल्कुल बारीक सिवइयों का है, इसको मैंने हाथ से पैकेट के अंदर ही तोड़ लिया था, छोटा छोटा कर लिया सिवइयों को मैंने। अब हम इसको देसी घी में भून लेंगे अच्छे से। हल्की आंच पे इन सिवइयों को हमने फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है ताकि इसका कलर जो है ना वो पिंक पिंक सा हो जाए। तेज आंच पे नहीं इनको भूनना। सिवइयां हमारी अच्छे से भून रही हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पिंक पिंक हो रही हैं सिवइयां भून के, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया सिवइयों का। बहुत अच्छा फ्राई हो गई हैं सिवइयाँ हमारी। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है 4 खाने के चम्मच। ये एक पैकेट बारीक सिवइयों का, इसमें तकरीबन 150 ग्राम होती हैं, उसके लिए 4 खाने के चम्मच चीनी बिल्कुल ठीक है। जो ज़्यादा तेज़ खाते हैं वो ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चीनी डाल के इसको हिलाया। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना और एक दफ़ा ही सारा नहीं डालना। पानी डाल के इसको मैंने फ़ौरन मिक्स कर दिया ताकि ये सारी सिवइयाँ जो हैं एक दफ़ा पानी के अंदर जज्ब हो जाएं। बारीक सिवइयाँ ये फटाफट पक जाती हैं। थोड़ा सा पानी फिर मैंने डाला है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ही इसमें डालना है, एक दफ़ा से आपने पानी नहीं डालना। एक दफ़ा से ही हम पानी डाल देंगे तो सिवइयाँ जो हैं वो जल्दी से गल जाएंगी और वो कच्ची पक्की भी रह सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और सिवइयों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे पानी में।
थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, तकरीबन ये पौना कप इसमें पानी का किया है बस। बस अब मैं आंच को हल्का करके इसको ज़रा दम पे रख दूँगी सेवइयों को, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं। सेवइयां हमारी अच्छे से पक गई हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। सेवइयां मैंने प्लेट में निकाल ली हैं, थोड़े से मैंने बादाम काट के रखे थे, वो इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। आप ही बनाएं झटपट बनने वाली सेवइयां, बारीक मीठी सेवइयां, मीठी मीठी सेवइयां, बादामों से गार्निश करेंगे हम इसे और मज़े से खाएंगे। आप भी बनाएं और मुझे बताएं कैसी बनी।